द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया इस टॉपिक पर बेस्ड है। आपको बता दूं, यूजीसी नेट के एग्जाम में इस टॉपिक पर बेस्ड 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसाइड मटेरियल में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेट करते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकें। तो पॉपुलेशन पॉलिसी के इस नोट्स में चलिए समझ लेते हैं कि इस मटेरियल में मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया ओवरव्यू, इसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, सम स्ट्रेटजीज फॉर पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड निगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी, वेरिएबल्स अंडर पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन साइज को भी समझना जरूरी है। तो इंडिया के सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का साइज मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है और उसे रिलेटेड कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं। इसके सोर्स सेंसस रिपोर्ट 2011 से लिया गया है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को समझते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में प्लानिंग्स को भी देखेंगे, जिसमें पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्क एम्फेसाइज किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच, इस ड्यूरेशन में पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इसके बीच में क्या क्या वर्क हुए थे ये हम समझेंगे यहाँ पर। सिमिलर तरीके से सेकेंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, उसके बाद प्लान हॉलीडे आया था, इस प्लान को भी समझेंगे। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सिमिलरली 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी के ही बारे में मैक्सिमम करके इन्फॉर्मेशन समझेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया की फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1977 में और सेकेंड पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लॉन्च हुई थी, उसके सारे मेथडोलॉजी को हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th 5 ईयर प्लान में ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आया था, इसका ड्यूरेशन था 1997 से 2002। इसके गोल कितने थे, उस गोल के अकॉर्डिंग क्या क्या अचीवमेंट सेट किए गए थे, ये सभी हम यहाँ पर समझेंगे। और माइलस्टोन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इस पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के जितने भी माइलस्टोन रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद, वो ईयर वाइज मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो मटेरियल होने वाला है और यहाँ से ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपने इतने को तैयार कर लिया तो आपका 5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है और इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू में, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इट्स पॉपुलेशन। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलस कंट्री है, फर्स्ट नंबर पर चाइना आता है, आपको मालूम है। और अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया के बाद यूएसए, देन इंडोनेशिया एंड देन ब्राजील, ये 5 कंट्रीज के नाम आपको जुबान पर होने चाहिए अगर आप पॉपुलेशन स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं तो। यहाँ सेकेंड नंबर है, द गवर्नमेंट हैज कंटिन्यूअसली पेड अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिपेंडेंस के पहले से ही कुछ प्लानर्स, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स पॉपुलेशन के बढ़ते हुए ट्रेंड का अनुमान लगाते हुए बर्थ कंट्रोल की बात किए थे, जिसको हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम वेरी रैपिडली। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी है इसके इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही। तो आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है। इट इज ए स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है। इट रिफर्स टू द लेजिस्लेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स एंड अदर गवर्नमेंट एक्शन इन ए कंट्री। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया एक ऐसा कदम है जिससे पॉपुलेशन के ग्रोथ पर कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग बर्थ रेट, स्टेबिलाईजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं।
एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं जो यहाँ पर मेंशनड है। एज ऑफ मैरिज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये डिसाइडिंग फैक्टर है क्या होना चाहिए। यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, दैट इज अनमेट नीड्स फॉर कंट्रासेप्शन, मेल फीमेल स्टरिलाइजेशन, IUCD, ये सारे कुछ स्ट्रेटजीज हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज के। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सारे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो पॉपुलेशन पॉलिसी में काम आते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी का एक डेफिनेशन गुणार मिडल के अकॉर्डिंग दिया गया था, ए पॉपुलेशन पॉलिसी कैन बी नथिंग लेस देन ए सोशल पॉलिसी एट लार्ज। यहां से आप नोट कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो हमने बात किया पॉपुलेशन पॉलिसी का, एक टर्म आता है नेगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी। तो नेगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी को समझने से पहले हमने ये देखा कि पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या होता है, बर्थ कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी है तो ए पॉलिसी अंडर विच एफर्ट इट इज मेड टू कीप डेथ रेट हाई, मतलब डेथ रेट को हाई कर दिया जाए जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जो कंट्रोलिंग होगी वो कहलाएगा नेगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी। यहां से आपको एक टर्म याद रखना है, ये एक छोटा सा कीवर्ड है कि डेथ रेट को हाई कर दिया जाए तो ये कहलाएगा नेगेटिव पॉपुलेशन पॉलिसी। अब वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, ये कुछ इसके वेरिएबल हैं, इंडिकेटर हैं इससे रिलेटेड, जो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल, ये इतने होते हैं। आपको मालूम है कि जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन, ये होता है जो पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए भी यूजफुल होता है। इकोनॉमिक ग्रॉस नेशनल इनकम भी होना चाहिए और पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है, इसके अंडर में भी बहुत सारे सब हेड्स हैं, आपको इतना सारा याद रहना चाहिए। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे। और सोशल इश्यूज में सोशल कस्टम्स, स्टेटस ऑफ वीमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी, होल्ड ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी। तो ये इतने चार इंडिकेटर्स हैं जो वेरिएबल के भी काम कर सकते हैं, और यहाँ जो इसके अंडर में इतने सारे मेंशन है इसके सब हेडिंग भी होंगे। तो आपको यहाँ से सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि पॉपुलेशन पॉलिसी के कितने वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले पॉपुलेशन साइज और उससे रिलेटेड इंडिकेटर्स को हम समझ लेते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ग्लोबल शेयर ऑफ एरिया 2.4% है और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया का अभी स्टेटस है एरिया में। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, रशिया, सेकंड पर कनाडा है, थर्ड नंबर चाइना है, फोर्थ नंबर USA है, फिफ्थ नंबर ब्राजील है, सिक्स्थ नंबर ऑस्ट्रेलिया है एंड 7th नंबर इंडिया है। तो आपने देखा कि फिफ्थ नंबर पर ब्राजील है, इसका मतलब कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में फिफ्थ नंबर पर आता है। ग्लोबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 17.5%, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पर कौन है, चाइना, सेकंड पर इंडिया तो है ही है, थर्ड नंबर पर USA है, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया है और फिफ्थ नंबर पर ब्राजील है। टोटल पॉपुलेशन 121.08 करोड़, अर्बन पॉपुलेशन 31.1% है, तो रूरल पॉपुलेशन आपको निकालना है तो 100 माइनस इतना हो जाएगा, जो भी आएगा इसका रूरल पॉपुलेशन हो जाएगा 68.9%। सिमिलरली इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है 121.08 करोड़, इसमें मेल पॉपुलेशन 51.73% है, तो फीमेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 100 माइनस 51.73% जो कि 48.27% होगा। आपको कोई एक सा याद रखना है, दूसरे के लिए आउट ऑफ 100 निकाल लीजिए। 0 to 6 years का पॉपुलेशन 13.6% है, ये सारे डेटा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट 17.7% है, एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% है, सेक्स रेशियो 943 है, लिटरेसी रेट 73% है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन भी है, ये जो मैंने येलो मार्क में हाईलाइट करके रखा हुआ है, यहाँ से एग्जामिनेशन में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप ये सब बस समझ लीजिए कि 57 इनहेबिटेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ 2001 से 2011 तक, 8.2% की इंक्रीमेंट हुआ 2011 में। तो 2001 में कितना था आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए इसमें से 73% में से 8.2 माइनस करेंगे तो 2001 का लिटरेसी रेट आ जाएगा। हालांकि एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, आपसे यही पूछा जाएगा और इसका इंक्रीमेंट पूछा जाएगा। सेक्स रेशियो 943 है, 2001 में 933 था जो कि इंक्रीज होकर के 43 हो गया था। अब एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% था जो 2011
2001 में ये 1.97% था, जिसमें से 0.33% का डिक्रीमेंट होने के बाद एनुअल ग्रोथ रेट 2011 में 1.64% रह जाता है। ये जो डेटा मैंने लिया है यहाँ से, एग्जाम में हर बार हमेशा आता है, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप देखेंगे उसमें आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो ये डेटा से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से भी मान के चलिए कि एक दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे। इस पॉपुलेशन पॉलिसी के मटेरियल को डिस्कशन करने से पहले इसको डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए मैंने इस टेबल को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ये रिपोर्ट सेंसस रिपोर्ट 2011 से लिया गया है। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस थे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव पॉपुलेशन पॉलिसी होता है उसमें बर्थ कंट्रोल किया जाता है, और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें डेथ रेट को हाई कर दिया जाता है जिससे कि पॉपुलेशन में कंट्रोलिंग हो। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को हम ये कहेंगे बिफोर 1947 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को आफ्टर 1947 कहेंगे। इस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रलिटी पीरियड, जिसको इनडिफरेंस पीरियड भी कहा जाता है। ये 1947 से 1951 तक का पीरियड कहा गया है, और फॉर्मेशन ऑफ फाइव ईयर प्लान्स, इसके बाद जब 1951 में हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर फाइव ईयर प्लान की शुरुआत हुई, और वहीं से पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के भी फील्ड में बहुत सारे योजनाएं आईं। सो इसमें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या हो जाएगा, इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड पॉलिसी मेकर्स प्लानर्स एंड थिंकर्स वेयर अवेयर ऑफ द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मेन इश्यूज क्या थे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ये कुछ कीवर्ड हैं जो एग्जाम से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। इन 1943 हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ भोर। ये जोसेफ भोर के चेयरमैनशिप में हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी गठन हुआ 1943 में। इसको भोर कमेटी के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में सबमिट किया था। सम अदर थिंकर्स, पीके वट्टल, आर डी कार्वे, इनका नाम रघुनाथ डोंडो कार्वे था, रविन्द्रनाथ टैगोर, पी एन सप्रू, जवाहरलाल नेहरू एंड सर जोसेफ भोर, ये इतने सारे थिंकर्स थे। इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी भी थे जिन्होंने बर्थ कंट्रोल के बारे में बात की थी। और सबसे मजे की बात यह है कि इन सभी लोगों ने आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी की भी बात किया था बर्थ कंट्रोल के लिए, और साथ साथ गांधी जी भी बर्थ कंट्रोल के समर्थक थे लेकिन आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी को अपोज करते थे। महात्मा गांधी वाज द मेन अपोनेंट ऑफ बर्थ कंट्रोल। एक्चुअली में महात्मा गांधी सपोर्टिव थे लेकिन अपोनेंट किस मामले में थे कि उनका मानना था कि आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी सही नहीं है। ही बिलीव दैट सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इतने सारे नाम दिए जा सकते हैं, साथ में महात्मा गांधी का भी नाम दिया जा सकता है, या आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी को किन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो आपका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पीके वट्टल ऑथर्ड ए बुक पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया 1916 में। इनका नाम था रघुनाथ डोंडो कार्वे। ही पब्लिश्ड ए मराठी मैगजीन समाज स्वास्थ्य स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1927 अंटिल 1953। आर डी कार्वे के बारे में एक चीज मैं बताता चलूं कि इंडिया की जो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का श्रेय जाता है ये इन्हीं को जाता है। 1923 में मुंबई में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था इसको पीरियड ऑफ इंडिफरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिशों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारा योगदान नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन के बीच में बर्थ कंट्रोल के आर्टिफिशियल मेथोडोलॉजी को लाना भारतीयों में इंडिफरेंस की भावना उत्पन्न करेगी। इस वजह से ब्रिटिश इस ओर ध्यान नहीं दिए, और इसीलिए यह समय पीरियड ऑफ इंडिफरेंस भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, आपको मैंने पहले ही बताया, न्यूट्रलिटी पीरियड एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइव ईयर प्लान। तो न्यूट्रलिटी पीरियड यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया है 1947 से 1951 के बीच कि उस समय इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया था और इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसमें वो बिजी थी, जैसे रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल फॉलोइंग द पार्टीशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स एंड पाकिस्तान, इन्वेशन ऑफ कश्मीर
एंड एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो काम थे उसमें बिजी होने की वजह से ये जो पीरियड है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के फील्ड में न्यूट्रलिटी पीरियड कहलाता है। अब दौर आया 1951 से, तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 में आया जो 5 साल तक रहा, 56 तक। ये बेस था हैरड डोमर मॉडल के ऊपर। ये एक इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ भी आपको मैचिंग प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान, ये किन किन लोगों के मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हैरड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, सेकेंड फाइव ईयर प्लान महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड था, और मैक्सिमम करके आप जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो महालनोबिस मॉडल ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पर बजट एलोकेशन इसका था 65 लाख। ये आप बजट भी याद रखेंगे, अभी एग्जाम में तो मैं क्वेश्चन नहीं देखा हूं, लेकिन ये एसर्शन और रीजन से रिलेटेड जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं वहां पर इसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। 52 में डेवलपिंग, सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर में इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सबसे पहले लॉन्च किया पूरे वर्ल्ड में। द फैमिली प्लानिंग वॉज स्टार्टेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एंड विथ गांधियन अप्रोच। गांधियन अप्रोच क्या था? एब्स्टिनेंस एंड रिदम मेथड, वेयर नेचुरल मेथड वेयर एडॉप्टेड। ये जो लाइन मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ऑब्जेक्टिव का। आपसे एसर्सन और रीजन ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एसर्सन में खास करके आपको ये दिया जाएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू लॉन्च द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952, और इसका ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा जो रिड्यूसिंग बर्थ रेट टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू स्टेबिलाइज द पॉपुलेशन एट ए लेवल कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये फुल टू फुल लाइन आपको दिखा हुआ मिल जाएगा पेपर में। तो यहाँ से एसर्सन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वाला भी याद रखना है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये इतने सारे पॉइंट थे, आपको मेनली क्या याद रखना है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, ये सबको मालूम है 1951 में, किस मॉडल पर बेस था, हैरड डोमर मॉडल पर बेस है, और बजट एलोकेशन 65 लाख था, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ था जो कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अंदर में आता है, और ये प्लान एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर था और गांधियन अप्रोच के थ्रू था, जिसमें बर्थ कंट्रोल की भी बात की गई थी लेकिन नेचुरल मेथड से। ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया। इसके कुछ मेन फीचर हैं, 1952 में तो ये आया ही था, 53 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, 54 में नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आया, 55 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, और 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। सेकंड फाइव ईयर प्लान ये 56 से 61 के बीच में था, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, बजट एलोकेशन 4.97 करोड़ था, जो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ भी कह सकते हैं। इस फाइव ईयर प्लान में क्लिनिकल अप्रोच ऑफ फैमिली प्लानिंग ये अडॉप्ट किया गया था। इस प्लान में इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी, जो यहाँ पर अरेंज है। 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी जो न्यू दिल्ली में है, 1956 में ही IIPS जो मुंबई में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, एंड 58 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, लेकिन जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था उसमें मलेरिया इरेडिकेशन का प्रोग्राम आ गया। तो पहले उसके कंट्रोल करने के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जब कंट्रोलिंग हो गई तो उसके इरेडिकेशन के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में था, और यहाँ पर 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आता है थर्ड फाइव ईयर प्लान जो कि 1961 से 65 तक था। दिस प्लान वाज आल्सो नोन एज गाडगिल योजना। ये गाडगिल प्लान के ऊपर बेस्ड था, इसलिए इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस प्लान में एक्सटेंशन अप्रोच अडॉप्ट किया गया। ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच था जिसमें बर्थ रेट को 25 per 1000 लाइव बर्थ तक रिड्यूस करना था 1973 तक। मतलब इस फाइव ईयर प्लान में ये टारगेट रखा गया कि 1973 तक बर्थ रेट को 25 तक ले जाना है।
इसका बजट एलोकेशन 24 करोड़ कर दिया गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि IUCT का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, ये 1965 में हुआ था, जो कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंडर में आता है। ये जो मैक्सिमम चीजें मैंने अरेंज किया हुआ है ये पेपर से ही रिलेटेड है, वैसे आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वहां से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को निकाल करके यहाँ पर अरेंज किया गया है कि आपके एग्जाम के मतलब का हो। तो पॉइंट वाइज आपको नोट बना लेना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद 3 एनुअल प्लान, ये आया 1966 से 1969 का ड्यूरेशन कहलाता है, इसको प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पीछे के पेपर जब पलट कर देखेंगे तो कई बार प्लान हॉलिडे से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है। तो ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में हर साल प्लानिंग की जाती थी। आपने थर्ड फाइव ईयर प्लान में देखा कि 1965 में IUCD इंट्रोड्यूस हुआ, और इसके बाद 1966 में जो प्लान हॉलिडे के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये इस्टेब्लिश किया गया, या इसको कह सकते हैं क्रिएट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर फैमिली वेलफेयर नहीं है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में MOHFW का नाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग था, जो कि बाद में प्लानिंग वर्ड को हटा करके वेलफेयर जोड़ दिया गया। ये 1977 की बात है, जब हम आगे बढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में तो उस पॉइंट पर मैं इसके बारे में डिस्कशन और भी करूंगा। दिस पीरियड वॉज जनरली कम ड्यू टू द ऑनगोइंग इंडो पाकिस्तान वार। ये जो पीरियड आया प्लान हॉलीडे का, उस समय इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, इस वजह से फाइव ईयर प्लान न करके जस्ट प्लान हॉलीडे कर दिया गया, और उसके जगह पर एक एक साल का प्लान किया जाने लगा। ये चला टोटल 3 साल तक। इसके बाद आया फोर्थ फाइव ईयर प्लान, जिसमें कैंप अप्रोच को लाया गया। इसके अंडर में मास लेवल पर वेसेक्टॉमी किया गया, ये मेल स्टरिलाइजेशन से रिलेटेड होता है वेसेक्टॉमी। यहां से भी ये कीवर्ड देकर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब पीछे के 2010-11 के पेपर देखेंगे तो वहां पर 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस ईयर से रिलेटेड जो पेपर होंगे वहां पर इस कीवर्ड को आप देख सकते हैं वेसेक्टॉमी। तो ये मेल स्टरिलाइजेशन होता है। ड्यूरिंग 1972-74 मास लेवल पर वेसेक्टॉमी किया गया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, और कुछ सिलेक्टिव अप्रोच भी थे जिसमें मैरिड कपल को पकड़ा जाता था, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते थे और उनकी एज होती थी 25 से 35 ईयर्स के बीच, और उनको इनकरेज किया जाता था या कन्विंस किया जाता था स्टरिलाइजेशन के लिए। और इसी फोर्थ फाइव ईयर प्लान में 1971 में MTP एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और यही वह दौर था जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स ईयर वाइज इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें IUCD आपने देखा 1965 में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 67 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये 71 भी कभी कभी देता है, और 72 भी ऑप्शन में आपसे लिखा हुआ रहेगा। तो ये दोनों आप याद रखिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और ये फोर्स में आया 72 में। पोस्टपार्टम प्रोग्राम ये 1969-70 में। तो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, ये अलग अलग ईयर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है 1974 से 79 के बीच। आपको ये याद रखना चाहिए कि पांचवा फाइव ईयर प्लान एक ऐसा था जो अपने कंप्लीट होने से 1 साल पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था, मतलब पांचवें फाइव ईयर प्लान को 4 साल में ही खत्म कर दिया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। 1971 के सेंसस के बेसिस पर लाया गया, क्योंकि 1971 में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे मैक्सिमम था 24.88%, जो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सेंसस ये सबसे मैक्सिमम रहा है अभी तक। तो इसके बेसिस पर ही फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की मॉडल तैयार किया गया। फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 16th अप्रैल 1976 एंड केम इनटू फोर्स इन 1977। ये लाइन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आया था, लेकिन उसके पहले 1977 में भी पॉपुलेशन पॉलिसी आया था, जिसका अनाउंसमेंट अप्रैल 1976 में किया गया था। ये किस प्लान में आएगा? फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर में। और इस फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर में पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए गए थे। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1977 ये क्या था? प्लानिंग वर्ड वॉज चेंज्ड
टू वेलफेयर बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 मीन्स जो फैमिली प्लानिंग वर्ड है उसमें से प्लानिंग वर्ड को हटा करके वेलफेयर वर्ड जोड़ दिया गया था, तभी से नाम क्या हो गया है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये भी कीवर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। द मिनिमम एज फॉर मैरिज डिटरमाइंड बाई द शारदा एक्ट 1929 वाज इंक्रीज्ड। इस शारदा एक्ट के बारे में अभी रिसेंटली के पेपर पलट कर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि शारदा एक्ट कब आया था और ये किससे रिलेटेड है, ये एज ऑफ मैरिज से रिलेटेड है। इसमें मेल पर्सन के एज को इंक्रीज करके 18 से 21 ईयर कर दिया गया था और फीमेल के एज को 14 से 18 ईयर्स तक कर दिया गया था। इसका मतलब कि इस 1977 से पहले मेल का मैरिज का एज ग्रुप 18 ईयर्स लिया जाता था और फीमेल के लिए 14 ईयर्स था। फोर्स्ड स्टरिलाइजेशन वाज परमिटेड विच वाज लेटर ऑन गिवन अप। स्टरिलाइजेशन फोर्सिबली तरीके से किया जाता था जो कि बाद में हटा लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसकी स्थापना हुई 1977 में। तो 77 में फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया और उसके अंडर में ये सारे उसके फीचर्स हैं जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी भी स्थापना हुई जिसको NIHFW कहा जाता है। द नंबर ऑफ MPs एंड MLAs वाज फिक्स्ड टिल द ईयर 2001 ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस 1971। इस सेंसस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 24.88% बढ़ गया था, ग्रोथ रेट डिकेडल ग्रोथ रेट, और जब पॉपुलेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि 2001 तक MP और MLA का जो नंबर है वो फिक्स रखा जाएगा, कोई भी इंक्रीमेंट इसमें नहीं होगा। तो ये भी लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली मैं जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं वो सभी कभी ना कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। UGC से ही रिलेटेड मैंने मटेरियल तैयार किया है, लेकिन ये UPSC, PCS या SSC या और भी किसी दूसरे मेजर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया 2 अक्टूबर 1975 को। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जिसको उसके कंप्लीट होने के एक साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। मीन्स वो प्लान 74 से 79 तक था, लेकिन 79 तक ना जा करके 78 में ही इसे टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद आया रोलिंग प्लान, चूंकि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 74 से 79 तक था उसको एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया 78 में। तो 78 से 79 एंड 79 से 80 ये दो साल के लिए रोलिंग प्लान रहा, ये आपको बस ध्यान में रखना है। इसके बाद सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान 1980 से 85 तक, इसमें फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज इम्पोज्ड इन 1983। इस प्लान के अंडर में हेल्थ पॉलिसी इम्पोज किया गया था। तो अभी तक टोटल नेशनल हेल्थ पॉलिसी तीन बार इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट टाइम 1983 में, सेकेंड टाइम 2002 में एंड थर्ड टाइम 2017 में, जो कि लेटेस्ट वाला है। और इसी ड्यूरेशन में 80 से 90 के दशक में कैफेटेरिया अप्रोच भी आया, जो मैंने अभी तक बताया क्लिनिकल अप्रोच, एक्सटेंशन अप्रोच, कैंप एंड ये कैफेटेरिया, और उसके बाद टारगेट फ्री अप्रोच आता है। तो सिक्स फाइव ईयर प्लान में 80 से 90 के दशक में कैफेटेरिया अप्रोच आया। उसके बाद सेवेंथ फाइव ईयर प्लान में जो 1985 से 90 के बीच में था, इसमें 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था और 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया था। आप समझ लीजिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देन फिर से एनुअल प्लान आया सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के बाद 1990 से 92 के बीच में, और इसमें 1990 से 2000 के दशक में टारगेट फ्री अप्रोच आया। देन एट्थ फाइव ईयर प्लान ने 1992 से 97 तक रहा, इसमें 1992 में CSSM प्रोग्राम आया जिसको चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम ये कहा गया। बाद में 1997 में इसी का नाम चेंज करके RCH रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो RCH का पुराना नाम क्या है, CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इन 1993 एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS स्वामीनाथन। इस समय तक आते आते
एक दूसरी पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत आ पड़ी थी, जिसमें 1993 में एमएस स्वामीनाथन के चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1994 में सबमिट किया था, जिसके बेसिस पर 9th फाइव ईयर प्लान में 15 फरवरी 2000 को न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है 9th फाइव ईयर प्लान, ये 1997 से 2002 तक चला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन 15th फरवरी 2000। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनपीपी 2000। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एनपीपी कब आया था। ये भी एग्जाम में आप जब पलट कर देखेंगे पेपर, तो एनपीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2000 में आया था। इन न्यू एनपीपी, क्योंकि स्टार्टिंग वाला क्या था, फर्स्ट फेज था, 1977 में आया था, ये वाला जो आया इसको नई जनसंख्या नीति कहा गया, न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा सीट वुड कीप अनचेंज्ड बाय 2026। लोकसभा सीट में जो भी सीट मेंबर्स हैं उनका 2026 तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एनपीपी 2000 के अकॉर्डिंग लोकसभा में जो सीट का अनचेंजिंग का पैटर्न रखा गया है वो कब तक है, 2026 तक है। इसके ऑब्जेक्टिव या गोल ये कौन कौन से थे, इसमें तीन गोल डिफाइन किए गए थे, इमीडिएट गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। तो इमीडिएट गोल क्या थे, इसको टेम्पोररी गोल भी कहा जाता है, टू मीट द अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शन। यहाँ पर ये लाइन है, इसके अलावा भी गोल आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने उनको ही यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि टू मीट द अनमेट नीड ऑफ कंट्रासेप्शन। अब अनमेट नीड क्या होता है, अनमेट नीड वो होता है जिसमें सेक्सुअली एक्टिव विमेन किसी भी कंट्रासेप्शन का यूज न करते हुए बर्थ कंट्रोल को अपनाए। WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Women with unmet need are those who are fecund and sexually active but are not using any method of contraception and report not wanting any more children or wanting to delay the next child. तो WHO के definition के according भी आप समझ सकते हैं कि unmet need क्या होगा, इसकी definition क्या होगी। इसका mid-term goal क्या था, to bring total fertility rate to replacement level that is 2.1 by 2010. TFR को 2.1 तक लाना 2010 तक। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, जिसमें पॉपुलेशन को स्टेबिलाइज करना 2045 तक, ये इसका गोल था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का। इसमें कुछ और भी गोल थे जो सोशियो डेमोग्राफिक से रिलेटेड हैं, 2010 तक अचीव करने के लिए इसको सेट किया गया था, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। मेक स्कूल एजुकेशन अप टू एज 14 ईयर्स फ्री, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर अरेंज किए हैं सब किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप को फ्री एजुकेशन ये देना बिल्कुल कंपल्सरी कर दिया गया था। और रिड्यूस ड्रॉप आउट्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल टू बिलो 20% फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 80% तक अचीव करना था एंड ट्रेंड पर्सन के थ्रू 100% ये भी अचीव करने का टारगेट रखा गया था एनपीपी 2000 में। अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी, ये सारा 100% का टारगेट रखा गया था एनपीपी 2000 में। मैरिज एज फॉर गर्ल्स शुड नॉट बी लेस देन 18 बट प्रिफरेबल 20 ईयर्स। आईएमआर को 30 तक रिड्यूस करके ले आना था, 2010 तक का ये टारगेट है, पर 1000 लाइव बर्थ। एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये 100 तक लेके आना था पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो इतने सारे इसके नेशनल लेवल सोशियो डेमोग्राफिक गोल हैं जो 2010 तक अचीव करने थे। और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल भी दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम करके, आपके पेपर में आप देख सकते हैं मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और ये जो फोर्थ पॉइंट में है इतने सारे नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल हैं। यहां से कुछ पॉइंट या तो एसर्शन रिजर्व में या तो क्वेश्चन देकर के उसके ऑप्शनल तरीके से पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का ये पॉइंट यहीं पर समाप्त हो जाता है।
ये वीडियो चूंकि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के पॉइंट्स पर बेस्ड था, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैंने डिस्कस किया और रिलेटेड टर्म्स को और उसके अचीवमेंट के टारगेट को भी डिस्कस किया। अब मैं आगे देखता हूँ इसके माइलस्टोन क्या क्या थे। ईयर वाइज यहाँ पर अरेंजमेंट है, माइलस्टोन ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, एनपीपी 2000 का माइलस्टोन जो 1943 में भोर कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 को सबमिट किया था। इसके बाद 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा पहला कंट्री था जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। 1956 में दो काम और हुए, एम्स का स्थापना हुआ और IIPS मुंबई, इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट हुई। 1976 में अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 16 अप्रैल 1976 को इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था और इसकी लॉन्चिंग हुई थी 1977 में। 77 में एक और काम हुआ था, प्लानिंग वर्ड को हटाकर वेलफेयर वर्ड जोड़ दिया गया था। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऊपर में डिस्कस कर लिया है, इसका एक समरी टेबल है जिसमें इसके माइलस्टोन को मैंने अरेंज किया है। 1977 में NIHFW जो न्यू दिल्ली में है, इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये फर्स्ट टाइम आया, यहाँ पर मैंने बस माइंड में रखने के लिए इसको वन रखा है। एक्चुअली में ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1, 2, 3 ऐसा कुछ नहीं था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये फर्स्ट टाइम 1983 में आया, जिसका लॉन्ग टर्म गोल 2000 तक NRR = 1 ये अचीव करना था। और नेशनल डेमोग्राफिक गोल क्या था, रिड्यूस एवरेज फैमिली साइज अप टू 2.3, ये दो गोल थे और इसके अलावा भी जो गोल थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। 1993 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर एक्सपर्ट ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसका चेयरमैनशिप MS स्वामीनाथन के हाथ में था। यहाँ पर सॉरी एक सबमिटेड लिखा गया है, एक्चुअली में इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1994 में सबमिट किया था। देन 97 में इनके इस रिपोर्ट को जो इन्होंने 94 में सबमिट किया था, कैबिनेट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बट कुड नॉट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके वजह से ये 1999 में फिर से एक बार सबमिट किया गया और उस समय फाइनलाइज कर लिया गया और इसका नाम दिया गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। सो जो 2000 की पॉपुलेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के नाम से लॉन्च हो गई। इसके बाद 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया, सेकेंड वाला। 1983 में तो फर्स्ट वाला था, सेकेंड वाला 2002 में था। उसके बाद 2005 में NRHM लॉन्च हुआ 12 अप्रैल 2005 को। 2007 में NHSRC की स्थापना हुई, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। एंड 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन और उसके बाद RMNCH+A स्ट्रेटजी भी लॉन्च की गई, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलसेंट। देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी थर्ड वाला आया 2017 में। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक माइलस्टोन भी है जो 2017 तक मैंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ से इतने जो पॉइंट मैंने अरेंज किया है, मैक्सिमम टाइम के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको इसको तैयार रख लेना चाहिए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया और एक कंप्लीट नोट जो पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर होना चाहिए, जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा मैंने मटेरियल यहां पर प्रेजेंट किया। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा और एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख लें। लाइक और शेयर करते रहें और मेरे जो एक्टिविटी है उस पर आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज टोटली रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।